दोस्तों, जीएसटी के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं, नोटिफिकेशंस इशू की जा रही हैं, न्यू न्यू चेंजेस हो रहे हैं। तो ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है नोटिफिकेशन नंबर 38। इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या बातें लिखी गई है, चलिए वो जल्दी से जानते हैं। तो यहाँ पे जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट, वो हम डिस्कस कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 9। काफ़ी लंबी नोटिफिकेशन है तो हम इसे अलग अलग वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इन द सैड रूल इन रूल 59 इन सब रूल 6 आफ्टर क्लोज डी नया क्लोज इंसर्ट किया गया है। ये क्लोज क्या कहता है, रजिस्टर्ड पर्सन जो भी रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, टू होम इंटीमेशन हैज़ बीन इशूड और उसे इंटीमेशन भेजी गई है पोर्टल पर अंडर द प्रोविजन ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 88D। तो रूल 88D की जो इंटीमेशन आपको अगर भेजी गई है पोर्टल पर, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पीरियड ऑफ पीरियड्स शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ अंडर सेक्शन 37 इन GSTR 1। तो आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई की जो डिटेल है वो फर्निश नहीं कर पाएंगे, जो कि आप अपनी GSTR 1 के द्वारा करते हैं या IFF फैसिलिटी यूज़ करते हैं फॉर अ सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड। जिस भी पीरियड के लिए भेजी गई है तो सब्सिक्वेंट पीरियड्स के लिए आप नहीं फाइल कर पाएंगे अनलेस ही हैज़ आइदर पेड द अमाउंट इक्वल टू एक्सेस ITC एज स्पेसिफाइड इन द सैड इंटीमेशन। अगर आपके पास जो इंटीमेशन आई है रूल 88D की कि आपने एक्सेस ITC अवेल किया है, जब तक कि आप वो अमाउंट जो है एक्सेस ITC की पे नहीं कर देते या फिर फर्निश नहीं कर देते रिप्लाई एक्सप्लेनिंग द रीज़न इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सेस ITC दैट स्टिल रिमेन टू बी पेड एज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन्स ऑफ सब रूल 2 ऑफ रूल 88D, या तो उसके तहत आप रिप्लाई नहीं फर्निश कर देते या जो एक्सेस अमाउंट आपकी है वो पे नहीं कर देते, तब तक आपको GSTR 1 या IFF फैसिलिटी जो है वो यूज़ नहीं करने दी जाएगी। GSTR 1 की फाइलिंग आप नहीं कर सकते, IFF फैसिलिटी नहीं यूज़ कर पाएंगे। एंड सेकेंड जो चेंज जो इसी में इंक्लूड है, द फॉलोइंग क्लोज जो एड हुआ है क्लोज F जो कहता है रजिस्टर पर्सन शेल नॉट बी अलाउड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि आपकी GSTR 1 है या IFF फैसिलिटी का आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, इफ़ ही हैज़ नॉट फर्निश डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट एज पर द प्रोविजन ऑफ रूल 10A। तो अगर बैंक अकाउंट डिटेल्स आप प्रोवाइड नहीं करवाओगे अपनी, ठीक है, पोर्टल पर, तो भी आप अपनी GSTR 1 एंड IFF फैसिलिटी को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों ही सिचुएशंस में आपकी GSTR 1 एंड IFF जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। GSTR 1 ब्लॉक हो जाएगी तो आप 3B भी फाइल नहीं कर पाओगे। तो ये सारे कंसिक्वेंसेज जो हैं आपको फेस करने पड़ेंगे। तो ये चेंजेस कर दिए गए हैं आपके रूल 59 के अंदर।